फ्रेंड्स, एज यूजुअल संजय सर आप सबों के सामने हाजिर हैं और हम लेकर के आज आएंगे छात्रगण आप सबों के लिए सीटीईटी की परीक्षा, सीटेट की परीक्षा के बारे में विशेष जानकारी। छात्रगण, जैसा कि आप सबों को बहुत अच्छी तरह से पता है कि शिक्षक पात्रता परीक्षा जो केंद्र पर आधारित होती है, केंद्र सरकार उसका आयोजन करती है सीबीएसई के माध्यम से। ये ऐसी परीक्षा है जिसे बिना पास किए हुए आप शिक्षक नहीं बन सकते हैं। चाहे आप गवर्नमेंट स्कूल्स के शिक्षक की तैयारी कर रहे हों या प्राइवेट स्कूल के शिक्षक की तैयारी कर रहे हों, कहीं भी आज आपको तभी वहां अच्छे वेतनमान और अच्छे ओहदे पर आपको बैठाया जा सकता है जब तक कि आपके हाथों में एक सीटेट या अन्य राज्य सरकार की जो परीक्षाओं का आयोजन किया जाता है टेट के रूप में, इसकी डिग्री आपके हाथ में ना हो। तो वैसे बच्चे जिन्होंने स्नातक की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है और साथ ही साथ उन्होंने बीएड किया हुआ हो, या ऐसे बच्चे जिन्होंने इंटर की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है और साथ ही साथ उन्होंने डीएलएड की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है, या किसी भी नाम से वो जाना जाए, कोई भी दो वर्षीय कोर्स जो उन्होंने कंप्लीट किया है और साथ ही साथ उन्होंने इंटर की परीक्षा क्लियर की हुई है, तो आपको 1-5 के लिए चयन आप हो जाते हैं। और साथ ही साथ ग्रेजुएशन के साथ यदि आपका बीएड की परीक्षा कंप्लीट किया हुआ है तो आप 6-8 के लिए चयन हो जाते हैं। पूरे सीटेट की परीक्षा क्या है छात्रगण, इसकी बातें हम सब आज की क्लास के अंतर्गत में करेंगे और एक क्लास हम सब रख देंगे जेटेट की परीक्षाओं के आयोजन का, सो दैट कि अभी आप पूरे सिलेबस से रूबरू हो जाएंगे और इसको और इस पूरे परीक्षा के अवेयर होने के बाद आप अच्छी तरह से तैयारी में जुट जाएंगे। छात्रगण, आपको बहुत अच्छी तरह से मालूम है कि सीटेट की इस वर्ष की आयोजित परीक्षा जो आपकी 5 जुलाई को होनी थी, कोरोना वायरस के प्रकोप के कारण इस बार ये परीक्षा पोस्टपोन कर दिया गया है और उम्मीद करते हैं कि दिसंबर या फिर अगले साल इसके आयोजन होने की संभावनाएं हैं। तो बहुत बड़ा मौका है आपको कुछ कर गुजरने का, कुछ कर दिखाने का। वक्त आपको बहुत अच्छा मिला हुआ है, बहुत लंबा वक्त है। यदि आप आज से भिड़ते हैं तो जुलाई के बाद जुलाई, पूरा जुलाई आपके हाथ में है। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, पूरा छः माह आपके हाथों में है छात्रगण। इस 6 माह का आप जबरदस्त फायदा उठाएं छात्रगण और एकदम ये चैलेंजिंग करके लें कि सर इस 6 माह में अपने आप को झोंक देंगे और किसी भी कीमत पर अपनी सीटेट की परीक्षा को उत्तीर्ण करेंगे। आइए जानते हैं छात्रगण, ये पूरी सीटेट की परीक्षा जो सीटीईटी की परीक्षा केंद्र सरकार के द्वारा आयोजित की जाती है उसके पीछे उसका उद्देश्य क्या है और ये है क्या। पूरे डिटेल्स आज पूरी सिलेबस की भी चर्चा आज की क्लास में हम सब कर लेते हैं छात्रगण, और उसके बाद आपको पूरे जब फ्रेमवर्क क्लियर रहेगा तो आप बहुत अच्छी तरह से इसमें परफॉर्म कर सकते हैं। सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी, सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, यह है आपका सीटीईटी, सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। सीटेट की परीक्षाओं का उद्देश्य इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है छात्रगण कि एक और एक आम बच्चा जो केवल ग्रेजुएशन किया हुआ है और एक आम बच्चा जो बीएड या किसी अन्य नाम से, किसी भी अन्य नाम से प्रशिक्षण प्राप्त किया हुआ है ग्रेजुएशन के बाद या इंटर के बाद, वो जो आम बच्चे हैं, जो बहुत बड़ी भीड़ है, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग की तैयारी करने वालों के बच्चों की बहुत बड़ी भीड़ है, उससे आपको ये अलग कर देता है। तो सीटीईटी की जो परीक्षा है वो अपने आप में एक बहुत विशेष मायने रखता है। आपको मालूम होना चाहिए कि इसके मूल में, इसके जड़ में एनसीटीई है और एनसीटीई ने पहले ये डिसाइड किया था कि वही बच्चे अब शिक्षक बन पाएंगे जो सीटीईटी की परीक्षा या सीटेट की परीक्षा उन्होंने उत्तीर्ण किया हुआ हो। यह बात आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आनी चाहिए छात्रगण कि केंद्र सरकार के जितने सारे सरकारी टीचर्स, जैसे कि आपके केंद्र सरकार के अंतर्गत में छात्रगण आपका केंद्रीय विद्यालय संगठन है जिसको केवीएस कहते हैं, नवोदय विद्यालय संगठन है, इन तमाम जगहों पर, कई अन्य भी हैं, इन तमाम जगहों पर आपको शिक्षक बनने के लिए, शिक्षक पात्रता उत्तीर्ण करने के लिए आपको सीटेट की डिग्री सबसे पहले चाहिए।
अर्थात आपको ये समझ में आना चाहिए कि सीटेट की परीक्षा को क्वालिफाई करना, सीटेट की परीक्षा को कंप्लीट करना हम सबों के लिए कितना कितना मायने रखता है, कितना ज़रूरी रखता है। यदि आप जीवन में चाहते हैं कि मैं सर एक अच्छे शिक्षक के रूप में, समाज के दर्पण के रूप में मैं यहाँ काम करूँ, और कमोवेश छात्रगण आज शिक्षक की नौकरी सचमुच सबसे सर्वोपरि मानी जाती है। अन्य जॉब में कई टेंशन हैं, यहाँ आपको कुछ भी टेंशन नहीं है। और सबसे बड़ा कार्य क्या है कि आपको अपनी रचनात्मकता का प्रस्तुतिकरण करने का मौका मिलता है। यू आप एक क्रिएटिव बन सकते हैं, आपको अपनी आप अंदर की रचना, आपको लगता है कि सर मेरे अंदर में बहुत कुछ कर गुजरने की तमन्ना है, तो आप इस क्षेत्र पर बहुत अच्छा कर सकते हैं। छात्रगण आप अच्छे पढ़ाने वाले हैं तो आप वहाँ शानदार नाम कमा सकते हैं और आपको राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया जा सकता है। आप रातों रात सुपर स्टार बन सकते हैं छात्रगण, आपके अंदर अगर पढ़ाने की कला है तो। और ये सारा एक ही मंच प्रदान करता है, और वो मंच है शिक्षक का जॉब। आज शिक्षकों को अच्छे वेतनमान है छात्रगण, आप चाहे प्राइमरी स्कूल के शिक्षक बने, मिडिल स्कूल के बने, हाई स्कूल बने, सभी के एक अच्छे वेतनमान है, जो एक रिनॉल्ड वेतन कहा जा सकता है, और आपकी जिंदगी बहुत अच्छे से चल सकते हैं। साथ ही साथ शिक्षक की नौकरी एक स्कूल्स लेवल पे है, आपको एक टाइमिंग है स्कूल्स की, स्कूल के टाइमिंग पर आपको जाना है और अपना पठन पाठन करवाना है, कोई ज़्यादा लफड़ा नहीं, बच्चों के बीच रहना है, आपको एक आनंद की भी अनुभूति होती है। और आपको जब आप क्लास के अंदर में, जब वर्क कक्षा के अंदर आप प्रवेश करेंगे, जब वहाँ पे आप पढ़ाएंगे, तो आपको ये लगने लगेगा कि वो नहीं, निश्चित रूप से इससे ये जो हम सबों ने जॉब कर रहे हैं, ये जो जॉब हम लोगों को मिला है, वो मेरे अपना सेटिस्फैक्शन का है, मैं पूरी तरह से सेटिस्फाइड हो रहा हूँ इस जॉब के माध्यम से, और मुझमें अपने जो अंदर में, जो अपने अंदर कुछ कर गुजरने की जो तमन्ना था, उसका विकास भी हम कर पा रहे हैं छात्रगण। तो ये तमाम चीजें, जब इतनी सारी चीजें हैं, तो क्यों ना हम सब जरा सा मेहनत करके छात्रगण सीटेट की परीक्षा को उत्तीर्ण कर लें। इतने महंगे डिग्री आपने बीएड की डिग्री हासिल की है या डीएलएड की डिग्री हासिल की, आज कितने महंगे हो गए ये सब कोर्सेज छात्रगण, और उसकी डिग्री जब आपने लिया है, तो थोड़ी सी आपकी मेहनत, मैं बार बार कह रहा हूं, एक माइन्यूटली मेहनत आपको जीवन के उच्च मुकाम पर पहुंचा सकता है छात्रगण। आइए आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं छात्रगण, और सीटेट की विशेष बारीकियों के बारे में जानते हैं और कैसे सीटेट को क्रैक कर सकते हैं, हाउ टू क्रैक सीटेट, इसकी चर्चाएं करते हैं छात्रगण और विस्तृत जानकारी आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। प्रत्येक वर्ष सीटेट की परीक्षा दो बार आयोजित होती है, एक जुलाई के महीने में और एक दिसंबर के महीने में। यदि किसी कारणवश आप पहली परीक्षा, एक वर्ष के अंदर में पहली परीक्षा जुलाई की परीक्षा आप मिस कर जाते हैं, तो सेकेंड बार यानी कि दिसंबर की परीक्षा में आप उत्तीर्ण हो जाइए। सीटेट की परीक्षा में आप कई बार बैठ सकते हैं, बैठने की आपकी कोई उम्र सीमा इसमें नहीं रखी गई है, आप आराम से सीटेट की परीक्षा किसी भी उम्र में कितने बार भी दे करके आप क्लियर कर सकते हैं। लेकिन छात्रगण याद रखेंगे, एक बार जब आप सीटेट की परीक्षा उत्तीर्ण हो जाएंगे, तो इसके सर्टिफिकेट की जो वैल्यू होती है वो मात्र 7 ईयर ही होता है, यानी कि 7 साल के अंदर आपको कहीं ना कहीं शिक्षक की वैकेंसी क्लियर करनी होती है, शिक्षक की परीक्षाएं पास करनी होती है, नहीं तो फिर 7 साल के अंदर पुनः आपको इसकी परीक्षा देनी होती है। लेकिन क्या आपको लगता है कि कोई भी बच्चा जो सीटेट की परीक्षा उत्तीर्ण करेगा वो आपको 7 साल तक लंबा इंतजार करेगा? शायद कभी नहीं। इसी चीज से सजा धजा है आपकी पूरी सीटेट की बेसलाइन है छात्रगण, और ये बहुत आसान है। आप जब देखेंगे कि सीटेट की परीक्षा के जो प्रश्न देखेंगे, अमूमन जो प्रश्न का स्तर है वो आपका मैट्रिक और इंटर लेवल है, और स्नातक स्तरीय परीक्षा का जो है लेवल जो है वो स्नातक स्तरीय है। तो दो प्रकार की परीक्षाओं का आयोजन सीटेट के तहत किया जाता है। पहली परीक्षा प्राथमिक विद्यालयों के लिए, जो कि 1 से 5 की होती है, इसकी अलग परीक्षाओं का आयोजन होता है। दूसरे सिटिंग पे उसी दिन सेम डेज दूसरे सिटिंग पर 6 to 8 की परीक्षा विज्ञान बच्चों के लिए और सामाजिक विज्ञान के बच्चों या सामाजिक अध्ययन के बच्चों के लिए अलग अलग आयोजित किया जाता है। छात्रगण आप देखेंगे कि यदि आप ग्रेजुएट विथ बीएड हैं तो आप 1 to 5 और 6 to 8 दोनों की परीक्षाओं के लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं। आइए सबसे पहले जानते हैं कि इसके पूरे सिलेबस क्या हैं, सीटेट की परीक्षा के पूर्ण सिलेबस क्या हैं और कैसे इसको क्रैक किया जाता है, इसकी रणनीति पर चर्चाएं करते हैं छात्रगण। सिलेबस, वर्ग 1 से 5 तक, और यहां पे ले लेते हैं वर्ग 6 to 8 तक।
दो अलग अलग, मैंने आपको पहले ही कहा कि सीटेट दो अलग अलग परीक्षाओं का आयोजन करता है। वर्ग 1 से 5 के लिए अलग परीक्षाएं होती हैं और 6 टू 8 के लिए सेकंड सीटिंग में अलग परीक्षाओं का आयोजन होता है। वर्ग 1 से 5 में पूछे जाने वाले विषय होते हैं छात्रगण, जिसमें सबसे पहला विषय होता है बाल विकास, बाल विकास, बाल विकास और शिक्षण शास्त्र, बाल विकास और शिक्षण शास्त्र, बाल विकास और शिक्षण शास्त्र। चूंकि थोड़ा सा जगह का अभाव हो रहा है इसलिए इसको 6 to 8 को अलग से डील कर देंगे, है ना। बाल विकास और शिक्षण शास्त्र, बाल विकास और शिक्षण शास्त्र, इसको हम सब कहते हैं चाइल्ड, चाइल्ड डेवलपमेंट, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागॉजी, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागॉजी। और जो पेडागॉजी के ये जो प्रश्न होते हैं चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागॉजी के, वो प्रश्नों की संख्या, प्रश्नों की संख्या 30, कुल पूर्णांक भी 30, यानी 30 क्वेश्चन होंगे, एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा और इसके लिए आपको जो है 30 अंक दिए जाएंगे। छात्रगण आपको ध्यान रखा जाना चाहिए कि नेगेटिव मार्क्स बिल्कुल इसमें नहीं होता है, आप पूरे प्रश्नों को अटेम्प्ट ले, चूंकि नेगेटिव आपका कटना नहीं है। तो पहला विषय बाल विकास और शिक्षण शास्त्र, प्रश्नों की संख्या 30, कुल पूर्णांक भी होंगे इसके 30, वर्ग 1 से 5 तक के लिए। दूसरे विषय के रूप में छात्रगण इसमें होता है भाषा अनिवार्य, ये आपको एकदम लेना ही होगा, कोई इसका उपाय नहीं, भाषा अनिवार्य, लैंग्वेज, लैंग्वेज भाषा अनिवार्य, पेपर 1, लैंग्वेज पेपर, लैंग्वेज पेपर 1, लैंग्वेज पेपर 1 आपका, आपकी अपनी भाषा होगी, चाहे वो हिंदी हो सकता है, इंग्लिश हो सकता है, तमिल हो सकता है, मलयालम हो सकता है, कन्नड़ हो सकता है, जो कुछ भी है वो एक भाषा लैंग्वेज पेपर आप 1 के रूप में सिलेक्ट करेंगे। इसमें भी कुल प्रश्नों की संख्या होगी आपकी 30 और कुल पूर्णांक भी इसके होंगे 30, ठीक है ना। ये एक पहला टॉपिक हो जाएगा, ये दूसरा विषय हो जाएगा। तीसरे विषय के रूप में छात्रगण भाषा पेपर होता है, भाषा ये भी अनिवार्य होता है, अनिवार्य पेपर होता है, जिसको हम लोग भाषा पेपर नंबर 2 कहते हैं, नाम इसको इंग्लिश में देते हैं लैंग्वेज पेपर 2, लैंग्वेज पेपर 2। इसमें भी कुल प्रश्नों की संख्या हो जाती है 30 और कुल पूर्णांक भी हो जाता है इसका 30। तो भाषा अनिवार्य 2, लैंग्वेज पेपर 2 और प्रश्नों की संख्या 30 और उधर कुल पूर्णांक भी आपका होता है 30। तो कुल मिलाकर के जो ये प्रश्न पूछे जा रहे हैं, इसमें भाषा नंबर जो 2 है ये आपको एक भाषा इंग्लिश, ये भाषा अनिवार्य नंबर 1 है, ये आप कोई भी भाषा चयन कर ले जिस पर आपकी अपनी कमांड है। अमूमन सभी बच्चे हिंदी ही चयन करते हैं, कई बच्चे संस्कृत भी चयन करते हैं अगर आपको उस पर कमांड है तो, लेकिन लगभग बच्चे जो होते हैं वो अपने मातृभाषा हिंदी का चयन करते हैं। अब आप तमिलनाडु में रहते हैं तो जाहिर बात है आप हिंदी चयन नहीं करेंगे, आप तमिल चयन करेंगे। अगर आप पश्चिम बंगाल में रहते हैं तो आप हिंदी चयन ना करके बंगला चयन करेंगे। तो भाषा अनिवार्य पेपर 1 एक आपको कंपलसरी है, लेना पड़ेगा। भाषा अनिवार्य पेपर 2 जिसमें एकदम से आंख बंद करके आपको इंग्लिश, इंग्लिश ये आपको लेना ही लेना होगा छात्रगण, और ये प्रश्नों की संख्या इसमें भी 30 होगी और कुल पूर्णांक भी होगा आपका 30, 3 हो गया। चौथे विषय के रूप में छात्रगण इसमें पूछा जाता है मैथ्स, गणित जिसको आप सब कहते हैं, और ये गणित के भी प्रश्नों की संख्या होती है 30 और कुल मार्क्स जो होते हैं इसमें 30। और अंतिम जो आपका पांचवा विषय बनता है, और वो पांचवा विषय होता है आपका, पांचवा विषय आपका जो होता है और वो है आपका के बाद में, वो है एनवायरमेंटल साइंस, एनवायरमेंटल साइंस जिसको हम लोग कहते हैं पर्यावरण अध्ययन, पर्यावरण अध्ययन, पर्यावरण अध्ययन। कुल प्रश्नों की संख्या 30, कुल मार्क्स 30, टोटल मार्क्स 150, कुल प्रश्नों की संख्या 150, 150 क्वेश्चन, कुल मार्क्स 150। बाल विकास और शिक्षण शास्त्र में प्रश्नों की संख्या 30, कुल पूर्णांक भी 30। भाषा जो अनिवार्य पेपर 1,
लैंग्वेज पेपर 1 30 नंबर का, ये आपका हिंदी हो सकता है, जो भी भाषा आप चयन कर लीजिए, कुल पूर्णांक भी 30 होंगे। भाषा अनिवार्य पेपर 2 इंग्लिश लैंग्वेज पेपर 2 वो भी 30 का होगा, उसमें आपको कुल पूर्णांक 30 है। मैथ्स 30 क्वेश्चन का है, 30 रहेगा, और इन्वायरमेंटल साइंस जो होंगे, पर्यावरण अध्ययन होंगे, वो 30 क्वेश्चन का होगा, और उसके लिए मार्क्स भी आपको होंगे 30। कुल प्रश्नों की संख्या होगी 150 और कुल पूर्णांक भी होगा इसमें 150। इसकी पूरी निचोड़ प्रस्तुत करने के लिए सीटेट कहता है कि आपको 150 का 60% नंबर, 150 का 60% नंबर आपको क्वालिफाई होने के लिए लाना है। जबकि आपको मालूम है एससी एसटी और फिजिकल हैंडीकैप बच्चों के लिए इन मार्क्सों में थोड़े छूट भी दिए गए हैं छात्रगण, तो आपको टारगेट जो है वो सीधे सीधे 90 नंबर का रखना है, 90 मार्क्स का। 150 में जैसे ही आपके 90 नंबर आ गए छात्रगण, सीटेट आपको क्वालिफाई घोषित करता है और आपको एक सुंदर सा सर्टिफिकेट आपको प्रदान करता है सीटेट, और उसके बाद उस सर्टिफिकेट की वैल्यू 7 साल की होती है, और केंद्र सरकार के द्वारा आयोजित किसी भी परीक्षा में आप इसके इस सर्टिफिकेट के जरिए आप उसमें एलिजिबल हो जाते हैं, आप चयनित हो जाते हैं। ध्यान रखिएगा छात्रगण कि सीटेट की परीक्षा पास करने मात्र से ये कहीं नहीं कहा जा सकता है कि आपकी शिक्षक की नौकरी लग गई। यह शिक्षक की परीक्षा में बैठने के लिए एक प्लेटफॉर्म है कि बिना प्लेटफॉर्म टिकट लिए हुए आप किसी रेलवे स्टेशन के किसी प्लेटफॉर्म पे नहीं जा सकते हैं। बस उसी प्रकार से बिना इस प्लेटफॉर्म को, बिना सीटेट की इस परीक्षा को क्लियर किए हुए केंद्र सरकार की किसी भी परीक्षा के आयोजन में आप सम्मिलित नहीं हो सकते हैं छात्रगण। ये पूरी इसकी कहानी है जिसके माध्यम से छात्रगण हम सबों ने पूरी 1-5 की परीक्षाओं का आयोजन किया है, और इस आधार पर सीटेट जो है अपनी परीक्षाओं का आयोजन प्रत्येक वर्ष 2 बार करता है। छात्रगण दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट बातें हैं कि जो प्रश्नों का स्तर होता है इसमें, ये प्रश्न के स्तर बिल्कुल एकदम से मैट्रिक स्तरीय होते हैं, थोड़ा सा लेवल अगर कहिएगा तो इंटर स्तरीय थोड़ा सा पकड़ता है, यानी मैट्रिक और इंटर की अगर जर आपकी थोड़ी सी अच्छी कमांड है तो आप इन विषयों पे बहुत बहुत अच्छा कर सकते हैं छात्रगण, ये मैं आप सबों के सामने में दावा करता हूं छात्रगण। साथ ही साथ आप जितने सारे ये क्वेश्चंस देख रहे हैं, बाल विकास शिक्षण शास्त्र 30 अंक, भाषा अनिवार्य 30 प्रश्न, भाषा अनिवार्य पेपर 2 30 प्रश्न, मैथ्स 30 और एनवायरमेंटल साइंस 30। इसके प्रश्न 2 मॉड्यूल यानी कि 2 कंटेंट में बटे होते हैं। पहली कंटेंट पूरी तरह से, पहला जो भाग 15 नंबर का जो पहला भाग है वो 15 नंबर प्योर कंटेंट से क्वेश्चन होंगे। अगर वो बाल विकास और शिक्षण शास्त्र के हैं तो 30 क्वेश्चन तो उसी से पूछे जाएंगे, लेकिन अगर ये भाषा पेपर 1 का है तो 15 क्वेश्चन केवल भाषा के होंगे, संज्ञा सर्वनाम विशेषण अगर आपने हिंदी रखा है तो इससे पूछे जाएंगे, और जो रेस्ट 15 क्वेश्चन बचेगा वो आपको बाल विकास और शिक्षण शास्त्र से ही पूछा जाएगा। एकदम शिक्षण शास्त्र पे आपको कमांड करना पड़ेगा, इसी शिक्षण शास्त्र से आपको प्रश्न उसमें पूछे जाएंगे। भाषा पेपर अनिवार्य पेपर 2 जो कि आपका इंग्लिश है, वही 15 नंबर आपका सीन अनसीन पैसेज होते हैं, सीन पैसेज होते हैं, अनसीन पैसेज होते हैं, और इन सब से प्रश्न होते हैं, और साथ ही साथ आपका जो नेक्स्ट जो 15 नंबर होगा वो 15 नंबर जो होता है आपका, ये आपका पेडागॉजिकल इशू अर्थात शिक्षण शास्त्र से होते हैं। नेक्स्ट जो आपका मैथ्स का पेपर है, मैथ्स में भी फिर 15 नंबर आपका कंटेंट से, जोड़ घटाओ गुना भाग लाभ हानि, उसके बाद आपका कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट, इन सब से प्रश्न रहेंगे, और रेस्ट जो 15 क्वेश्चंस आपके रहेंगे वो पूरी तरह से पेडागॉजिकल इशू के रहेंगे। उसके बाद जो आपका एनवायरमेंटल साइंस है, पर्यावरण अध्ययन है, आपके आस पड़ोस में जो कुछ भी आप देखते हैं समझते हैं वो सारे चीज़ पर एनवायरमेंटल साइंस के अंतर्गत में आता है, तो इसके अंतर्गत में कुल प्रश्नों की संख्या आपको पूछी जाएगी 30, 15 क्वेश्चन कंटेंट से होंगे और 15 क्वेश्चन आपका पेडागॉजिकल इशू से होगा। तो आपने देखा कि सर 30 क्वेश्चन पेडागॉजिकल इशू के, 15 क्वेश्चन यहाँ पेडागॉजी इशू के, 15 क्वेश्चन यहाँ पेडागॉजी इशू के, 15 और 15 30 30 और 30 60, और फिर यहाँ पर 30, 90 नंबर केवल आपको पेडागॉजिकल इशू पे क्वेश्चन हो रहा है। अर्थात ये बहुत बहुत जरूरी हो जाता है प्रतियोगी छात्रों कि हम सब जो है इस चाइल्ड डेवलपमेंट और पेडागॉजी को बहुत अच्छी तरह से करने का प्रयास करेंगे। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ छात्रगण कि इस विषय को इतनी बारीकी से और इतनी सहजता से आपको संभालने का और सिखाने का प्रयास करेंगे कि आपको मजा आने लगेगा, आप जीने लगेंगे, ये सब्जेक्ट आपको लगने लगेगा कि सर ये सब्जेक्ट मेरा है और मैं इसमें अब बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकता हूँ। एक ही की है, एक ही कुंजिका है, सीटेट की परीक्षा उत्तीर्ण करने के पीछे एक ही उद्देश्य है छात्रगण कि आप इसमें बस चाइल्ड डेवलपमेंट
और पेडागॉजी, ये दो जो सब्जेक्ट कंप्लीट रूप से है, इन दोनों को स्मार्ट बनाने का प्रयास कीजिए। इसकी परीक्षा एक बार चुटकियों में ऐसे करके आप निकाल लेंगे छात्रगण, इस बात का मैं आपको वादा करता हूँ छात्रगण। तो इस प्रकार से ये 1 to 5 की परीक्षाओं का एक ही दिन में आयोजन होता है छात्रगण, आप ध्यान रखेंगे। ये तमाम जो प्रश्न हैं वो एक ही बुकलेट में होते हैं। यहाँ पर बच्चा थोड़ा सा बहुत बड़ा बारीकी गलती करता है एग्जामिनेशन में कि पेपर वन को वो ढूंढते रहता है, चूंकि इतने मोटे क्वेश्चन बुकलेट होते हैं, उसमें हिंदी भी रहेगा, संस्कृत भी रहेगा, उसके बाद आपका मलयालम भी रहेगा, तमिल भी रहेगा, उर्दू भी रहेगा, तो आप इसको ढूंढने में अपना समय बर्बाद ना करें। आप सीधे सीधे प्रश्न पत्र के ऊपर में जो इंस्ट्रक्शंस रहता है उसमें आप देख लीजिए कि फलाना विषय किस नंबर पेज पर है, नहीं तो आप देखेंगे पेज आप पलटते पलटते ही आपको टाइम लग गया है। बाद में जब हम क्लास में प्रैक्टिस कराएंगे तो एक क्वेश्चन पेपर ला करके आपको पूरी तरह से क्वेश्चन पेपर दिखा देंगे, ताकि परीक्षा में जो कीमती आपका जो 10-20 मिनट का जो वक्त है वो आपका बिल्कुल नहीं जाना चाहिए छात्रगण, और बहुत आसानी से ऐसे प्रश्नों का आप जवाब दे पाने में कामयाब हो जाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से, और आपको यह भी मालूम होना चाहिए कि इन तमाम प्रश्नों को हल करने के लिए आपको पूरे 2 घंटा सीटेट देता है, अर्थात आपको 120 मिनट सीटेट प्रदान करता है, और उस 120 मिनट में आपको 150 प्रश्नों का हल करना होता है छात्रगण। आइए 1 to 5 की परीक्षा के सिनारियों देखने के बाद 6 to 8 में के पास चलते हैं, और 6 to 8 में वही बच्चे एलिजिबल हैं छात्रगण जिन्होंने स्नातक की परीक्षा उत्तीर्ण करा है, या फिर वो स्नातक की परीक्षा में अपीयरिंग है, उनका रिजल्ट आने वाला है, और साथ ही साथ उन्होंने किसी भी स्थान से, किसी भी जगह से, जो कि NCTE से मान्यता प्राप्त है, उन्होंने BEd की डिग्री हासिल की है। NCTE से आपकी डिग्री की वैलिडिटी कितने लंबे समय तक है, कितने वक्त तक है, ये NCTE के साइट पर जाकर के www.nct.india पे जाकर अपने कॉलेज का और अपने यूनिवर्सिटी का नाम चेक कर लेंगे, सो दैट कि आपको अपने सर्टिफिकेट के लिए किसी प्रकार का भी डर का सामना ना करना पड़े। आइए अब उसकी सिनारियों की चर्चाएँ करते हैं कि 6 to 8 के लिए सिलेबस मेरा क्या है। देखिए, जब सीटेट की बात करते हैं, 6 to 8 की बात करते हैं, तो बाल विकास और शिक्षण शास्त्र, अब यहाँ 1 to 5 है, ये 6 to 8 हम यहाँ पे कर देते हैं, ये दोनों में कॉमन पेपर है 6 to 8 तक के लिए। बाल विकास और शिक्षण शास्त्र दोनों में कॉमन पेपर है। भाषा पेपर 1 यानी कि लैंग्वेज पेपर 1 कॉमन पेपर है, कॉमन है, वो भी प्रश्नों की संख्या भी सेम टू सेम है। लैंग्वेज पेपर 2 यानी कि इंग्लिश, ये भी सेम टू सेम है। यहाँ से मैथ्स और इन्वायरमेंटल साइंस यहाँ से गायब हो जाता है जब हम 6 to 8 की बात करते हैं छात्रगण, और यहाँ पर 2 स्थान यहाँ पर लेने के लिए आ जाता है, इनके जगहों पर ये पेपर यहाँ से पूरी तरह से गायब हो जाते हैं। 4 ही पेपर की परीक्षा होती है, और 6 to 8 की परीक्षाओं में जो 4th पेपर होता है वो होता है सामान्य विज्ञान, सामान्य विज्ञान, विज्ञान स्नातक छात्रों के लिए, विज्ञान स्नातक छात्रों के लिए, विज्ञान स्नातक छात्रों के लिए। और यहां पर ठीक इसी के नीचे में सामान्य सामाजिक विज्ञान, सामान्य ना लिख करके इसको सामाजिक विज्ञान लिखे वो ज्यादा अच्छा लगेगा, सामाजिक, सामाजिक विज्ञान, या फिर सामाजिक अध्ययन, सामाजिक अध्ययन, जिसे हम सब SST कहते हैं। और ये कैसे बच्चों के लिए होगा, वैसे बच्चे जिन्होंने स्नातक, स्नातक SST से किया, कोई भी विषय वो मैटर नहीं करता आपका, आप किसी भी विषय से स्नातक किए हो छात्रगण, ऐसा नहीं कि सर मैंने सोशियोलॉजी में किया है तो मैं अपीयर नहीं हो पाऊंगा, नहीं, आप किसी भी विषय से स्नातक किए हो आप इसमें एलिजिबल होते हैं पूरी तरह से। और इनकी प्रश्नों की संख्या होती है 60, और कुल पूर्णांक भी इसमें होता है 60। तो सामान्य विज्ञान, विज्ञान स्नातक छात्रों के लिए, अर्थात आपने इसमें जो प्रश्न होंगे विज्ञान के बच्चों के लिए वो फिजिक्स से होंगे, केमिस्ट्री से होंगे, बॉटनी से होंगे, जूलॉजी से होंगे, मैथ्स से होंगे, कुल प्रश्नों की संख्या होगी आपकी 60। और जबकि सामाजिक विज्ञान के बच्चों के लिए जो SST विषयों से, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स, ऐसे विषयों से जिन्होंने परीक्षाएं उत्तीर्ण करा है, या किसी भी विषय से, आपका केवल स्नातक होना चाहिए। आप सपोज कीजिए कि हमारे कॉमर्स के बच्चे को आप ले लीजिए, कॉमर्स का बच्चा तो इनमें से कोई भी विषय में नहीं आ रहा है, ना तो बेचारा वो सामान्य विज्ञान से क्या है, ना तो वो सामाजिक विज्ञान का है, तो क्या वो CTET की परीक्षा नहीं दे सकता है? बिल्कुल दे सकता है। उसे इन दोनों में से कोई एक
चाहे तो वो सामान्य विज्ञान चयन कर ले या फिर सामाजिक विज्ञान चयन कर ले, इन दोनों में से कोई एक विषय को ऑप्ट करके वो परीक्षा पास कर सकता है, वो एलिजिबल है। अर्थात कॉमर्स वाले बच्चे बिल्कुल निराश ना हो, चाहे वो आपने आईकॉम किया हो या फिर बीकॉम किया हो, दोनों परिस्थितियों में आप 1-5 और 6-8 दोनों परीक्षाओं के लिए आप एलिजिबल हैं, इसलिए आपको किंचित मात्र का भी संदेह नहीं करना चाहिए। रहा बात कॉमर्स वाले हमारे प्यारे बच्चे ये सोच रहे होंगे सर कि हम किस विषय के शिक्षक बनेंगे, तो आपने जो सब्सिडियरी विषय के रूप में ग्रेजुएशन में इकोनॉमिक्स या हिंदी जो भी विषय रखा होगा उन विषयों से, या इंग्लिश या हिंदी जो भी रखा होगा उन विषयों के आप शिक्षक बनेंगे, चूंकि मैट्रिक लेवल पर आपका अकाउंट विषय होता नहीं है, साथ ही साथ इंटर लेवल पर आपने जो भी विषय की पढ़ाई करी है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप एक सामान्य शिक्षक जो साइंस किया है या आर्ट्स किया है आप बिल्कुल उसी प्रकार के हैं, इसलिए आपको बिल्कुल घबराना नहीं चाहिए कि मैंने कॉमर्स ग्रेजुएशन कर लिया मैं शिक्षक कैसे बनूं। तो कॉमर्स के बच्चे इस बात को बिल्कुल जो है अपने अंदर में नहीं रखेंगे, और मेरी बात अच्छी तरह से याद रखेंगे कि जिस प्रकार से IA, ISC, ICOM, BA, BSc और BCOM के बच्चे चयनित हैं, IA और ISC के बच्चे चयनित हैं, उसी प्रकार ICOM और BCOM के बच्चे भी CTET की परीक्षा देने के लिए चयनित हैं। आप देख पा रहे होंगे छात्रगण कि सामान्य विज्ञान विज्ञान स्नातक छात्रों के लिए और सामाजिक विज्ञान के जो बच्चे हैं उनको सामाजिक विज्ञान के प्रश्न पूछे जाएंगे, सामाजिक अध्ययन के प्रश्न पूछे जाएंगे, प्रश्न आपके हिस्ट्री से होंगे, प्रश्न आपके पॉलिटिकल साइंस से होंगे, प्रश्न आपके ज्योग्राफी के होंगे, प्रश्न आपके इकोनॉमिक्स के होंगे, और साथ ही साथ पेडागॉजिकल इशू सभी में होगा। वही सेम टू सेम कहानी है, 35 क्वेश्चन लगभग 35 क्वेश्चन, 60 में से 35 क्वेश्चन आपके कंटेंट बेस्ड होंगे, रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो 25 क्वेश्चन बचता है ये पूरा 25 क्वेश्चन आपका पेडागॉजिकल इशू का होगा। ओवरऑल जब मार्क्स को हम लोग ऐड करेंगे तो यहाँ आएगा 150 और यहाँ भी आएगा आपका 150, तो कुल मिलाकर के 150 और 150 प्रश्नों के साथ 150 पूर्णांकों के साथ इस पूरे परीक्षा का आयोजन किया जाता है छात्रगण, और इसके लिए भी आपको वक्त पूरे 2 घंटे के दिए जाते हैं छात्रगण। 120 मिनट, 150 प्रश्न, आप बहुत आसानी से, समय का कोई भी इसमें ये नहीं होता है, थोड़ा सा इंग्लिश के लिए आपको अलग से इसमें आपको मेहनत करनी होती है छात्रगण, अदरवाइज थोड़ी सी आपकी अच्छी सी प्रैक्टिस इन परीक्षाओं को क्रैक करने के लिए बेहद बेहद आसान साबित होते हैं छात्रगण। बातें हम सब करते हैं छात्रगण इस पूरे सिनारियो में सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट के सीटेट के रिस्पेक्ट में, तो सीटेट की परीक्षाओं में आपको एक ही चीज दिमाग में आ रहा होगा कि सर हम इसे क्रैक कैसे करें। सबसे पहले तो आप ये जान जाइए कि 150 जो क्वेश्चन है और 150 नंबर का जो है इसमें पास होने के लिए सर्टिफिकेट मिलने के लिए 150 का फिर 60% यानी कि 90 नंबर, यानी टारगेट जो आपका है, जो आपका टारगेट है वो टारगेट आपका 90 होना ही चाहिए। SC ST फिजिकल हैंडीकैप्ड ऐसे बच्चों के लिए जो छूट मान्य है सरकारों के द्वारा वो छूट इसमें भी मान्य होते हैं, अलग अलग वर्षों में इसके क्वालिफाइंग मार्क्स अलग अलग होते हैं, लेकिन इन जनरल आप ये मत सोचिए कि सर मुझे थोड़ा सा ये इसमें थोड़ा सा हमको फायदा मिल जाएगा, अपने कैटेगरी का फायदा लाभ मिल जाएगा, बिल्कुल आप वो माइंड में ना रखें। आप टारगेट लेके चले कि सर हमको 60% नंबर लाना है, 90 नंबर लेकर के आना है, और इस पूरे कुंजिका का एक ही हल है, इसमें आप एक ही जगह बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस कर सकते हैं छात्रगण, और वो एरिया है बाल विकास और शिक्षण शास्त्र। आइए थोड़ी सी उसकी चर्चा करते हैं कि बाल विकास और शिक्षण शास्त्र पर हम कैसे अच्छा कर सकते हैं छात्रगण, उसकी बातें हम सब यहां पे करते हैं। लैंग्वेज पेपर 1, लैंग्वेज पेपर 2, एक हिंदी है एक आपका इंग्लिश है, हिंदी अगर आप रखते हैं तो हिंदी, इंग्लिश रखते हैं तो इंग्लिश, इन विषयों पे अच्छा करने के लिए आप बस जो है थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहें छात्रगण, थोड़े से ग्रामर के आइडियाज रखें, और थोड़ा सा पेडागॉजिकल इशूज पे एक एक घंटा अगर हम लोग प्रतिदिन पढ़ाई करते हैं तो यह विषय भी आपके बिल्कुल अपने हो जाते हैं, और बहुत अच्छे से आप इसमें परीक्षाओं में पास कर पा करके अपने जीवन में कामयाबी के झंडे लहरा सकते हैं छात्रगण। छात्र दूसरी इसकी जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है जिस पर हम सब चर्चाएं कर लें कि स्नातक स्तरीय परीक्षाओं में प्रश्नों का स्तर जो आपका सामान्य विज्ञान और सामान्य आपका सामाजिक अध्ययन का जो पेपर है 60 नंबर का वो बिल्कुल स्नातक स्तरीय होगा, और इसमें स्नातक स्तरीय प्रश्न ही पूछे जाएंगे। प्रश्न थोड़े कठिन होते हैं लेकिन कंसेप्ट वाइज एरिया वाइज बाउंड्री बना करके अगर इसे पढ़ा जाए तो ऐसे प्रश्न बहुत बहुत आसान होते हैं। पूरे सीटेट की परीक्षा जो 2 पालियों में आयोजित की जाती है, 1-5 और 6-8 की परीक्षाओं का जो आयोजन होता है, इन दोनों परीक्षाओं में एक विषय जो सबसे वाइटल रोल अदा करता है और वो है बाल विकास और शिक्षण शास्त्र। अगर आप बाल विकास और शिक्षण शास्त्र पर कमांड कर लेते हैं
तो आप यकीन मानिए कि आपकी पूरी सीटेट की परीक्षा की 80% आपकी तैयारी हो गई। कंटेंट तो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, आपने इंटर करा है, आपने ग्रेजुएशन करा है, इन दोनों परीक्षाओं में आपने बहुत बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया है, अच्छे अंक आपके आए हैं, और आप बस उतना उसके वो कंसेप्ट आपके दिमाग में है, उस कंसेप्ट के सहारे आप इन परीक्षाओं के कंटेंट वाले क्वेश्चन का जवाब बहुत अच्छा दे सकते हैं। बस आपको मेहनत करना होगा एक नए विषय के रूप में जो बाल विकास और शिक्षण शास्त्र के रूप में है। ये विषय भी आपके लिए नया नहीं है, क्योंकि जब आप DLED या BED या किसी अन्य नाम से जाना जा रहा है, जब आप ये विषय कर रहे होंगे तो आपने यही चीज़ पढ़ा है अपने BED के सिलेबस के दरमियान में छात्रगण। हाँ, थोड़े भूल गए होंगे, हम लोग उसको क्लास में पूरी तरह से आपको रिवाइज करवा देंगे, और रिवाइज के अलावे आपको आत्मसात करा देंगे कि इसकी कहानी कैसे है और क्या चलना है। देखिए, तो पूरी बाल विकास और जो शिक्षण शास्त्र के का जो फंडा है, जो इसकी कहानी चलती है कि बाल विकास और शिक्षण शास्त्र की कहानी क्या है, इसके फंडा क्या है, वो एक सिंपल सा बात है कि एक विद्यालय के अंदर, एक स्कूल के वर्ग कक्षा के अंदर, एक क्लास के अंदर आपको दो प्रकार के बच्चे मिलते हैं। ये दो प्रकार के बच्चे आपको मिलते हैं। एक बच्चा इस प्रकार का है। आप दोनों चित्रों पे अंतर स्पष्ट समझ सकते हैं छात्रगण, कि एक बच्चा बिल्कुल कितना मुस्कुरा रहा है और एक बच्चा बिल्कुल शांत है। अर्थात विद्यालय जीवन पर दो प्रकार के जो बच्चे आपको मिल रहे हैं, वो क्या सोचता है और कैसे सोचता है, क्या सोचता है और कैसे सोचता है, और इनकी विकास की जो अवस्थाएं, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था, इन अवस्थाओं के दौरान उसमें कौन कौन से परिवर्तन निकल करके आए, कुछ हार्मोनिक सिक्रेशंस, कुछ उसके वातावरण का प्रभाव, कुछ उसके सामाजिक गुणों का प्रभाव, कुछ उसके परिवार का प्रभाव, ये किस प्रकार से उसके बच्चों के जीवन को हावी किया, उसके बच्चे के जीवन को निखारा, इन चीज को लिए हुए होता है बाल विकास और शिक्षण शास्त्र। इसके दो पाठ हैं छात्रगण, बाल विकास, और सेकेंड पार्ट इसका है शिक्षण शास्त्र। जब हम बाल विकास की बात करते हैं तो चाइल्ड का डेवलपमेंट, यानी कि शैशवावस्था से लेकर के वृद्धावस्था तक के अध्ययन हम सबों को बाल विकास के तहत करना होगा। बाल विकास में छात्रगण कई महान मनोवैज्ञानिक, जीन प्याजे, लॉरेंस कोहलबर्ग, बायोगेस्की, ऐसे कई महान वैज्ञानिक आए हैं छात्रगण, जिन्होंने बाल विकास के कई रूपाओं को रूपांतरण किया है, मॉडिफिकेशन किया है, जिसकी शानदार चर्चाएं हम सब अपने क्लास के अंदर में करेंगे छात्रगण। वहीं दूसरी ओर जब हम शिक्षण शास्त्र की बात करते हैं तो आप वर्ग कक्षा में कैसे पढ़ाते हैं, आप एग्जाम्पल लीजिए, यदि कोई बच्चा हल्ला कर रहा है, आपकी क्लास को वो इंजॉय नहीं कर रहा है, वो शॉटिंग करता है आपकी क्लास में, तो क्या करेंगे आप, उस बच्चे को मारेंगे या उस बच्चे को प्यार से समझाएंगे? तो ये इन सब चीजों से सजा धजा है आपका शिक्षण शास्त्र। आपको हमेशा याद रखना चाहिए छात्रगण कि पेडागॉजिकल इश्यूज के जो क्वेश्चंस हैं, जो पेडागॉजिकल इश्यूज होते हैं, इस पेडागॉजिकल इश्यूज पे आपको कभी भी नेगेटिव आंसर नहीं देने होते हैं, कभी भी नेगेटिव नहीं होता है। तो ये बच्चे वर्ग कक्षा के अंतर्गत में जब अपने घर को छोड़ करके आपके पास आते हैं, आपकी कक्षाओं में बैठते हैं, तो ये कैसे बोलते हैं, कैसे सोचते हैं और क्या सीखते हैं, जिस दिन आपने इसका मनन करना सीख लिया छात्रगण, उस दिन ये पूरी पूरी बाल विकास की जो कंसेप्ट है वो आपके जहन में चला जाएगा। बाल विकास के प्रश्नों पर मास्टर बनने के लिए छात्रगण आपको दो काम करना है। सबसे पहला काम कि आप अपने आप को एक टीचर्स बना लीजिए कि आई एम द टीचर, मैं एक शिक्षक हूं, मैं ये चीज पढ़ा रहा हूं, आप मेरे जगह पे आप आइए, आप उठ करके मेरे जगह पर आ जाइए और आप देखिए कि यदि मैं इसे पढ़ाऊंगा, मैं जब इसे टीचिंग करूंगा, तो बच्चा इसको कैसे आत्मसात करेगा, और बच्चा अगर कुछ गलतियां कर रहा है, कुछ बदमाशी कर रहा है, तो किस आधार पर बच्चा को हम इंप्रूव करेंगे, इन चीजों की बातें हम सब जो है इसके तहत में करने का प्रयास करेंगे छात्रगण। जिस दिन आपने ये क्वालिटी डेवलप कर लिया कि मैं शिक्षक हूं और मैं ही बच्चा हूं, अगर उस बच्चे के कहता है रोहन के बारे में कोई बात किया जा रहा है, तो रोहन आप बन जाइए, ये सिंपल सा कंसेप्ट है। यदि आपके पास एक्स बच्चे की बात की जा रही है, तो एक्स बच्चा आप बन जाइए, आप देख पाएंगे छात्रगण कि बाल विकास के प्रश्न आपके बहुत ही सहजता से हल होने लगे हैं, और जो एक बहुत ही जटिल विषय है वो बहुत आसान विषय के रूप में परिणत हो जाता है। तकरीबन बाल विकास सभी चैप्टरों से परीक्षा आते आते लगभग आपको हम सब
500 क्वेश्चन चाइल्ड डेवलपमेंट के, 500 क्वेश्चन पर्यावरण अध्ययन के, 500 क्वेश्चन बहुत ज्यादा हो जाएंगे, 200-250 क्वेश्चन मैथमेटिक्स के, लगभग 200-250 क्वेश्चन प्रत्येक विषय के, 500-500 क्वेश्चन आपको क्लास प्रैक्टिस के रूप में देंगे, सो दैट कि चैप्टर के पूरे कंसेप्ट के बाद क्वेश्चन बेस पे आपका प्रैक्टिस हो जाए, वही क्वेश्चन एग्जामिनेशन हॉल में आ जाए, तो इससे अच्छी तैयारी आपकी और कुछ भी नहीं हो सकती है। बस जरूरी यही है छात्रगण कि इन विषयों के बारीक कंसेप्टों को बहुत अच्छी तरह से समझा जाए, याद किया जाए, और तभी जाकर ऐसे परीक्षाओं को क्रैक किया जा सकता है। सीटेट की परीक्षा एक बार जब आपकी निकल जाएगी छात्रगण, तो आप कई परीक्षाओं में एलिजिबल हो जाते हैं। मैंने शुरू में भी ये बात आपको कहा, मैंने ये बात इसलिए भी दोहरा रहा हूं क्योंकि बिना सीटेट की परीक्षा को आप क्वालिफाई किए हुए शिक्षक, गवर्नमेंट शिक्षक या प्राइवेट स्कूल के शिक्षक आप नहीं बन सकते हैं। आज अच्छे वेतनमान प्रछातगण प्राइवेट स्कूलों में भी शिक्षकों को अच्छे वेतनमान दिए जा रहे हैं, उनको अच्छे वेतनमान तभी दिया जाता है जब वो सीटेट की डिग्री या राज्य स्तरीय टीचर की डिग्री उन्होंने हासिल किया है। आपको जानकर ये बहुत बहुत खुशी होगी कि कई राज्य, अपने पड़ोसी राज्य बिहार को भी आप ले लीजिए, तो बिहार एक ऐसा राज्य है जो सीटेट की डिग्री से अपने राज्य स्तर पर निकलने वाले शिक्षकों में बहाली ले लेता है। अर्थात आपको बिहार की शिक्षक पात्रता परीक्षा पास करने की आवश्यकता नहीं है, आप पास कर जाइए, नो प्रॉब्लम। लेकिन यदि आप नहीं पास कर पाए हैं किसी कारण से, तो सिर्फ सीटेट की डिग्री लेकर के ही आप वहां पे गवर्नमेंट शिक्षक बन सकते हैं, या फिर जिस प्रकार के शिक्षकों की रिक्तियां हैं आप वहां पे एलिजिबल हो सकते हैं। तो आपको ये समझ में आई होगी छात्रगण कि सीटेट की महत्ता, सीटेट के सर्टिफिकेट की जो वैल्यूज है वो कितनी इंपॉर्टेंट है छात्रगण, और कितना इसका इंपॉर्टेंस है इसकी कल्पना की जा सकती है छात्रगण। इन कल्पना की उड़ान पे आपको उड़ना होगा छात्रगण, अपने मूर्त सोच को अमूर्त चिंतन में बदलना होगा, और अमूर्त चिंतन वह चिंतन होगा जो कि आप घर बैठे दूर की ओर सोच सकते हैं छात्रगण। तो दूर बैठे उन तमाम छात्रों के लिए जो ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हैं, मैं हम सब इस मंच से यही कहना चाहते हैं छात्रगण कि सच्चे लगन, सच्चे मेहनत और बिल्कुल ईमानदारी पूर्वक यदि आपने मेहनत किया तो 6 महीना बहुत है सीटेट की तैयारी के लिए। मैं समझता हूं कि वर्ष में 2 बार आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं में दोनों बार में आप टॉपर हो सकते हैं छात्रगण, थोड़ी सी अच्छी से मेहनत की बस आवश्यकता है। मैं आपको कई बार कह चुका हूं कि 1-5 और 6-8 यदि आप स्नातक हैं तो दोनों के लिए एलिजिबल है। आप कोशिश कीजिए कि दोनों परीक्षाएं मेरा लिख जाए, क्योंकि केंद्रीय विद्यालय संगठन की एक वाइटल वैकेंसी, चूंकि 2-3 सालों से केंद्रीय विद्यालय संगठन की वैकेंसी नहीं आई है, तो एक बहुत बड़ी वैकेंसी केवीएस के रूप में आपके समक्ष आने जा रहा है, जिसमें 1-5 और 6-8 की एक बहुत बड़ी रिक्तियां भरी जाएंगी। अगर आपका उस समय सीटेट की डिग्री क्लियर नहीं रहा तो आपको कहीं ना कहीं पश्चाताप का सामना करना पड़ेगा। तो आज हम लोगों ने इन सिलेबसों की विस्तृत चर्चाएं अपने वर्ग कक्षा के अंदर में किया है छात्रगण। उम्मीद करते हैं कि आप इससे बहुत बहुत लाभान्वित हुए होंगे, इन तमाम सिलेबसों को अपने अंदर में रखेंगे, आप पूरे सिलेबस के मार्क्स अंदर में रखेंगे। मैं पुनः दोहराना चाहता हूं कि इसमें कोई भी नेगेटिव मार्क्स नहीं होता है छात्रगण, जितना आप अटैम्प्ट करेंगे जो सही होगा उसके आपको मार्क्स मिलेंगे। इसलिए आपको सलाह दी जाती है कि परीक्षा लेवल पर आपको एक भी प्रश्न नहीं छूटना है। यदि किसी कारणवश आप एक दिए गए 120 मिनट में यदि आप प्रश्नों को हल नहीं कर पाते हैं तो कोई चिंता की बात नहीं है, आप क्वेश्चन भले ही ना पढ़ पाए लेकिन OMR सीट पर, चूंकि अभी एकमात्र ये ऐसी परीक्षा है जो अभी भी ऑफलाइन ली जा रही है, ऑनलाइन अभी तक सीटेट की परीक्षा नहीं हुआ है, इसलिए इन ऑफलाइन परीक्षाओं में OMR सीट जो कलर करना होता है उसको एकदम से आप भले ही क्वेश्चन ना पढ़ भी ना पाए हो लेकिन किसी एक ऑप्शन को लेकर के आप कलर कर दें जो कि आपको लग रहा है ऐसे भी गलत होना ऐसे भी, तो आपको कई सारे प्रश्न उसमें सही हो जाएंगे। हम सब आपको एक लास्ट में ब्रह्मास्त्र भी देंगे कि वैसे प्रश्न जो आप नहीं बना सकते हैं उसको हल करने के क्या तरीके होंगे। अगली क्लासेस के लिए वो सब बना करके रखिए, बचा करके रखते हैं, आपको वो सब सारी जानकारियां दी जाएंगी धीरे धीरे। अभी सबसे पहले सिलेबस से आप रूबरू हो गए, कल की क्लास से हम सब इसमें पढ़ाई स्टार्ट करेंगे छात्रगण, और ये संकल्प लेंगे कि इस वर्ष में 2 बार जो सीटेट की परीक्षा का आयोजन होता है उसके पहले ही परीक्षा में जो एवरी 6 मंथ के बाद आयोजित हो जाता है, अपने आप को इस सफलता की डिग्री लेंगे और सीटेट की परीक्षाओं को क्वालिफाई करने का प्रयास करेंगे छात्रगण। चलते चलते बस मैं यही कहना चाहता हूं छात्रगण कि रख हौसला वह मंजर भी आएगा, रख हौसला वह मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर मत बैठ वो सफर के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं छात्रगण, थैंक यू वेरी मच।